नसीमा तुम ठीक कह रही थी, देखो मुझे बच्चा मिला है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? अरे वहाँ झाड़ियों में पड़ा था। झाड़ियों में पड़ा था? मासूर साहब कैसे माँ बाप होते हैं ये, बच्चे को ऐसी झाड़ियों में छोड़ के चले गए। खुदा उनको खारत करे। मासूर साहब अब हम क्या करेंगे इस बच्चे का? पुलिस स्टेशन चलते, उनको दे देंगे ये बच्चा। नहीं नहीं, पहले हम इसको घर लेके चलते, पता नहीं कब से भूखा होगा। हाँ सही कह रही हो, देखो मेरी गोद में आके कैसे चुप हो गया। अच्छा ये लो पकड़ो, चलते हैं। मैंने तो कोई कसम नहीं छोड़ी नसीमा, कि ये अपने माँ बाप की गोद में पलट जाए। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं उस मुकाम पर भी गया जहां से ये बच्ची मिली थी, आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी को भी इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। अगर नहीं पता चल रहा है तो रहने देना। मैं इस बच्ची को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, वो खुद ही इसके वालदैन को ढूंढ लेंगे। अरे नहीं नहीं मास्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये लड़की है। पता नहीं किसकी बच्ची है, हम कैसे इस बच्ची को रख सकते हैं। अगर आप इसे पुलिस वालों को दे देंगे तो वो इसे यतीम खाने भेज देंगे। आप प्लीज इसको मेरे पास रहने दें, मैं इसे मां बन के पालूंगा। पता नहीं इसकी मां कहां होगी बेचारी। अगर इसकी मां को इसकी फिक्र होती तो उसे ऐसे फेंक के नहीं जाती। ऐसा नहीं कहते नसीमा। मास्टर साहब हम बे औलादों को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को। बस मैंने आपसे कह दिया है ये मेरी बेटी है। अच्छा देखें इसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उसमें इसका नाम अरीज है। मैंने सोचा था कि हमारी बेटी होगी तो मैं उसका नाम उरूज रखूंगी। अच्छा है, अरीज और उरूज में ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो बस आज से ये हमारी उरूज है। उरूज, उरूज। खैर, अल्लाह जो करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि उसने मेरी खाली गोद इस तरह भरी। शुक्र है अल्लाह का। खैर अब तुम उसकी रुखसती की तैयारियां शुरू करो। Thank you.
पूरी कोशिश की तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना बेटा।